मुकेश बाकर जी ने केवल हमारे नेता प्रतिपक्ष को जब विपक्ष राज पक्ष के लोगों ने बोलने से रोका तो उनसे सवाल पूछा कि आप हमारे नेता प्रतिपक्ष को कैसे रोक सकते हैं, इसी बात के ऊपर बतंगड़ उठा के, क्योंकि उनकी किरकिरी राजस्थान के लोगों के सामने आ रही थी। एक कानून मंत्री अपने ही बेटे को डबल एजी बना दे और अपने ही घर में जो आम भारत जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी अच्छे वकील को जो सरकार का अच्छा पक्ष रख सके उसके अधिकार को अपने घर में देने की कोशिश करे, ये मुद्दा नेता प्रतिपक्ष उठा रहे थे। और सरकार की जब किरकिरी होने लगी और वो किरकिरी दिखने लगी, जनता के सामने आने वाली थी, तो ये बौखला गए और बौखलाहट में दिल्ली से लेकर यहाँ तक जिस तरह के कर्म ये करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की ये कोशिश करते हैं, संविधान की हत्या करने की कोशिश करते हैं, वही काम इन्होंने कल किया और जनता के सामने इनके चाल चलन और चेहरा आया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप स्वाभाविक बात कर रहे हो पांव दबाने की, लेकिन उसको दूसरी तरह से पसंद किया गया। हाँ, क्या सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा वीडियो है। देखिए क्या होता है, वैसे तो मैं इस प्रकार की ओछी मानसिकता और सोच रखने वाले लोगों को जवाब कभी नहीं देता, लेकिन ये माताओं और बहनों की अस्मिता से उन्होंने जोड़ दिया, उसलिए एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार जननेता होने के नाते मुझे वो बात आपको बतानी चाहिए। कल हुआ ऐसे कि सब लोग बिस्तर आ गए थे, सब बिस्तरों पे आराम से रिलैक्स हो गए थे। सुशीला डूडी जी बेंच पर बैठी हुई थी, पूरे दिन के हंगामे से बहुत थकी हुई थी। एक विधायक ने उनसे आग्रह किया, सीनियर विधायक ने, कि बहन जी आप घर चले जाओ, हम हैं यहाँ पर रात को, आप चिंता मत करो, आप थके हुए लग रहे हो। तब उन्होंने जवाब में ये कहा कि आप चिंता मत करो, अगर आप लोग यहाँ हो तो हम भी यहीं रुकेंगे। तब दूसरे विधायक ने ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर बहन जी थक गई हैं तो इनसे छोटी विधायक बहुत हैं, वो इनके पैर दबा देंगी, इसमें क्या हो गया। उसके साथ में मैंने कहा तो यार दबाना ही चाहिए, इसमें तो अच्छी बात है, अपने से बड़े विधायक के पैर दबाने तो अच्छी बात है। मैंने तो संस्कारों वाली बात करी। और ये मुद्दा जो चर्चा चल रहा था, ये सुशीला डूडी जी थकी हुई बेंच के ऊपर बैठी थी तो उनको सबको लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल हैं, शायद नीचे जो गदेले लगे हैं उन पर नहीं आकर वो बेंच पर बैठना, इसलिए आप घर चले जाइए, वो बात हुई थी। लेकिन देखिए, राजनीति के अंदर इस प्रकार के प्रहार होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के पहले का काट के, बाद का काट के, बीच का चला के, उसका अर्थ का अनर्थ करके चला रहे हैं। और ये जनता के सामने आ चुका है। देखिए, ये तो निश्चित है कि मैं इसका जवाब नहीं देता, लेकिन मैंने जवाब दिया एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। और दूसरी बात, जिन्होंने भी इसमें उत्तेजना दिखाई है और मेरी छवि को दुलमिल करने की कोशिश करी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि गुजर झगड़ा तीन पीढ़ी तक चलता है, तीन पीढ़ी 100 साल चलती है। तो अगर मेरी निजी छवि बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने जल्दबाजी में इसमें इस काम को किया है और वीडियो को काट कर एडिट करके, तो मैं चाहे 10 साल में, चाहे 20 साल में, चाहे 25 साल में, उनकी गलती का उनको ऐसा जरूर कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है।